हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम क्लास टेंथ का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और ये नया नया है कि बाकी चैप्टर आप मोस्टली नाइन्थ से पढ़ते आ रहे होंगे, और ये एक नया होता है जो टेंथ में क्लास में आता है, तो इसमें बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो इस चैप्टर को मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट से बताऊँगा, और आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखो, यदि आता भी आप वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो बहुत बहुत चीज़ नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है क्या है कि जैसे आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी लिया आपने, ये 90 डिग्री है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका मान लो हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये बेस लेते हैं, ये तो इनमें रिलेशन जो होता है एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। मान लो यहाँ 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये आपको निकालना हो तो ये h इक्वल टू अंडर रूट करके निकाल सकते हो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो जो भी आएगा ये 5 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, ये आपको पता है जो भी यूनिट इसकी होगी। तो अब ये जो आपको पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हो तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, बट आपको एक साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसी को स्टडी करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या है कि यदि ये आपका यहाँ पे एंगल थीटा दिया है ये, तो इसमें तीन जो है फंडामेंटल बेसिक जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। पहला होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। आपको तीन ये रेशियो याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। बच्चों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ इसमें दिक्कत है ही नहीं। आपको देखो ये H है, ये क्या H है, सबसे बड़ा है ये दोनों में साइन और कॉस में नीचे आएगा, और एक बार P आएगा एक बार B आएगा, तीन तो है ही आपका। तो ये जो एंगल के सामने है पहला परपेंडिकुलर, तो ये आपका होगा P बाई एच, ये हो गया B बाई एच, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका, ये एच से कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो पी बाई बी। ये तीन आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। उसके बाद क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, जो होता है वन बाई साइन थीटा हो गया, जो भी साइन की वैल्यू आई उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब एच बाई क्या हो गया आपका पी। उस तरह आता है आपका यहां पे सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल वन बाई कॉस थीटा, ये आपका हो गया एच बाई बी। उसके बाद से आता है आपको यहाँ पे टैन का कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा वन बाई टैन थीटा, ये जो आपका आएगा बी बाई पी। ये तीन आपको बेसिक फंडामेंटल थे, इसके ये रेसिप्रोकल हो गए। अब यहाँ आप देख रहे हो कि कोसेक थीटा वन बाई साइन थीटा होगा या साइन थीटा वन बाई कोसेक थीटा हो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा कहीं भी लिखा है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो वन हो जाएगा। उस तरह यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपका वन हो जाएगा। उस तरह यहाँ से मिलेगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी आपका वन हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। कई बार ये टैन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा सेक थीटा इसका यूज बहुत ज़्यादा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको बेसिक है, ये आपको याद रखना है, साइन कॉस ये देख रहे हो पी और पी बाई एच बी बाई एच, और दो याद हो गया तो टैन इन दोनों का अपोजिट, इन दोनों का डिवाइड होता है, इन दोनों का रेशियो साइन और कॉस का ये टैन आता है। तीन याद हो गए, तीन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का सेक है और टैन का कॉट है। आइए आप देख रहे हो इन दोनों का रेसिप्रोकल का इनटू ये आपका ये होता है। ये आपका बेसिक फंडामेंटल है जिससे कि आप ये लर्न कर सकते हो। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये हम एक ट्रिक ये ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ये मान लो ऐसे दिया आपको यहाँ पे, और यहाँ आपको दिया है कि साइन थीटा जो है वो 3/4 है या 3/5 ले लेते हैं, साइन थीटा ले लिया 3/5। अब बाकी को आपको ये वन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया तो बाकी का आपके निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको पता है कि P बाई एच होता है, तो इसमें P जो होगा वो हो जाएगा 3 और H जो हो जाएगा 5,
हम क्या करते हैं, थ्री और फाइव, थ्री बाई फाइव जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये थ्री बाई फाइव ना हो के आपका सिक्स बाई टेन भी हो सकता है, यहाँ साइड पे आपका नाइन बाई फिफ्टीन भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, थ्री के लेते हैं और फाइव के लेते हैं। ये ध्यान रखना आपको, क्या लेना पड़ता है, थ्री के और फाइव के। क्यों लेते हैं हमें के क्यों ले रहे, कि कॉन्स्टेंट है ये। आपका हो सकता है कि के की वैल्यू वन भी हो, के की वैल्यू टू भी हो, के की वैल्यू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकती है। क्योंकि हम जब ये लेते हैं यहाँ पे, ये मान लो आपने ले लिया ए बी सी, ये आपने देखा कि ये पी पर, ये यदि आप लेते हो थीटा तो इसके सामने आएगा थ्री के और ये हो गया आपका फाइव के। तो आपको ये ए बी निकालना है, इसको ही निकालना है। अब कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आपको ये बेसिक तीन ये फार्मूले याद लिख लेना है। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जब भी इन दोनों, क्योंकि ये बड़ा होता है तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। अब जब भी इसमें से ये बी निकालना हो या पी निकालना हो तो एच में से माइनस होगा। तो यदि बी स्क्वायर निकालना हो तो ये पी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, मान लो पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस आपका क्या आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। और जब बी स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा। अब मान लो आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट निकालना हो तो रूट लगा दो हर जगह, स्क्वायर हटाओ होती है क्या आएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटाओ होते रूट में आ जाएगा। ये फार्मूले आपके होते हैं, इसमें से कौन सा आपको, देखो बेस निकालना हो डायरेक्ट लिख सकते हो बेस को एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, फाइव के का स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा थ्री के का स्क्वायर। अब फाइव के का स्क्वायर जो आया है तो फाइव के का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर होगा माइनस नाइन के स्क्वायर होगा, तो ये हो गया सिक्सटीन के स्क्वायर। तो यहाँ से सिक्सटीन का ये फोर के आएगा। ये प्लस माइनस फोर हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमको पॉजिटिव साइन, यदि यहाँ पर रूट लिखा है कोई चीज़ तो पॉजिटिव ही आएगा। ये आ गया फोर के, ये वैल्यू आ गई फोर के। अब आपको ये फोर के जब आ गया, बी की वैल्यू आ गई फोर के, अब जो भी वैल्यू आपको निकालना है निकाल सकते हो। साइन निकल गया आपका दिया हुआ है, आपको कॉस निकालना है तो ये बी बाई, बी बाई क्या है एच, तो ये के से के कट जाएगा तो फोर बाई फाइव आप लिख सकते हो। टेन निकालना है पी बाई पी तो ये थ्री बाई फोर हो जाएगा। अब ये जैसे निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा हो गया फाइव बाई थ्री आ जाएगा। कॉस सेक थीटा निकालना है, कॉस का उल्टा फोर बाई फाइव है तो फाइव बाई फोर हो गया। और कॉट का निकालना है तो ये फोर बाई थ्री हो गया। इस तरह वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये बेसिक जो मैंने चीज एक थी बताया कि आप कैसे ट्रिगो में एक कोई दिया हो, जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टैन दिया हो, उसके हिसाब से ये पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड आपको मिल जाएगी, तीसरी साइड निकालनी है। इन तीनों साइड में से कोई भी एक निकालने के लिए आ सकता है। आपको इसी फार्मूले का यूज करना है, डायरेक्ट आप यूज करके आप निकाल सकते हो। फिर ये फार्मूले आपको लिखे गए हैं, फार्मूले एक दो बार लिखने से याद होते हैं, रिटन काम जरूरी है। कोरोना के बाद से लिखने की आदत बच्चों की थोड़ा सा हो गई है, लिखो आप लोग तो आप लोगों को याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें पहला जो एक्सरसाइज है, जो भी ये 8.1 जो भी एक्सरसाइज है, तो पहली एक्सरसाइज में आपका ये पुरानी बुक में शायद कि नई बुक में थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, जो भी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन इसमें यही दिया हुआ है, आप कैसे इसको निकालोगे। जो भी क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसको डिटेल बता सकता हूँ। मैं पहले यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद से इसमें जो आती है वैल्यू आपको निकालने के लिए, कि ट्रिगो में ये चीज़ आपने पढ़ लिया, उसके बाद से वैल्यू निकालने के लिए आती है। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से एक चीज़ देखो कि जब ये साइन थीटा आप देख रहे हो आ रहा है पी बाई एच, क्या रहा है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा होगा, इसलिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कई बार पूछ देता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन आएगी जब ये जो चीज होती है या परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज, जैसे ये एंगल है, आप इस चीज को जैसे ऐसे यहां बढ़ाते चले गए, या ऐसे ऐसे ये एंगल आपका ये ऐसे बढ़ता चला गया, ऐसे एंगल ही आपका दिया ऐसे, ये मान लो एंगल आपका ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल आपका जैसे जैसे बढ़ता चला गया ये चीज़ शिफ्ट होता चला जाएगा, मतलब आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर सेम हो गया तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगी। ये एंगल 90 डिग्री बना, मतलब पी और एच दोनों सेम हो गया तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो लिखी जाती है, ये मैं मिटा देता हूँ पहले, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वन होती है, वन या वन से छोटी होगी, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो माइनस वन होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है। साइन का जो ग्राफ है ऐसे बनता है, इस तरह से ग्राफ इसका बनता है, साइन का ऐसे ग्राफ बनता है। ये वन होता है, यहाँ पे नीचे आपका क्या होता है, ये माइनस वन होता है, इधर से फिर आपका ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका रेंज जो बोलते हैं ना, ग्राफ का रेंज मतलब माइनस वन और वन के बीच में वैल्यू आएगी, बाकी ये तो आप पुट करने में जो भी वैल्यू है, पूरे रियल नंबर लाइन होती है, डोमेन जिसको बोलते हैं। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कई बार पूछ देते हैं वन होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस वन होगी, और यही चीज़ कॉस थीटा की भी होती है, कॉस थीटा की भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यही सेम होती है, ये भी आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो। टैन का अलग हो गया, टैन का आपका ग्राफ अलग होता है, रियल नंबर पॉजिटिव और आपका निगेटिव इन्फाइनाइट पर चला जाता है, उसका कम पूछता है। अब इसी में आगे आपको साइन स्क्वायर थीटा का भी पूछ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन, मिनिमम वैल्यू जीरो होती है। उस तरह कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू वन, मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, आप इसको लर्न कर सकते हो, ये दोनों चीज़ टेंथ लेवल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही आती है आपकी। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे हमको वैल्यू पढ़नी है, बेसिक जो वैल्यू हमको पढ़नी है वो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, ये पांच वैल्यू हमको पढ़नी है। कैसे निकलता है ट्रिगो का ये वैल्यू, ये हम निकालते हैं। पहले हम आते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री हमको कोई निकालना हो, साइन की कॉस की टैन की, तो कैसे निकालेंगे। देखो ये आपने अभी देखा था, यहाँ पे ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है या परपेंडिकुलर या हाइपेंडिकुलर है, ये ए बी सी हुआ। अब ये एंगल जब मान लो आपका, ये एंगल थीटा, थीटा जीरो कब होगा, जैसे ये एंगल दिया यहाँ से, ये एंगल ऐसे धीरे 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 कम होगा, ये बेस पे आ जाएगा, मतलब ये एंगल ऐसे कम हुआ तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी आपकी, ये लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी, ये बीच में एंगल थीटा यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा और ए हो जाएगा और ये बी और सी एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। आपको बताया कि ये आपका ये बेस है, ये एंगल तो ऐसे बनेगा या ऐसे कम होता गया, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री आ गया। अब देखो थीटा जब 0 डिग्री हो रहा है, थीटा आपका 0 डिग्री हो रहा है, तो इस पर क्या क्या हो रहा है, आप देखोगे कि ये जो साइड है बेस, ये हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री में क्या होगा, बेस जो होगा एच के बराबर हो गया, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये 0 हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाएगी, और ये जो बेस है हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया, या हाइपोटेन्यूज आपका ये बेस के बराबर हो गया। अब आपको देखो क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री आपने पढ़ा था पी बाई एच, साइन 0 डिग्री पी बाई एच पढ़ा है। अब P देखो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ये तो 0 हो गया, और H की वैल्यू तो जो भी है आपकी H लिख दो चाहे बेस, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आएगा, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 0 होती है। उसके बाद आता है साइन कॉस 0 डिग्री, केवल हम 0 का भी बता रहे हैं, कॉस 0 डिग्री में आता है बी बाई एच। अब देखो बी और एच दोनों क्या है, सेम है, बी इक्वल टू एच है, तो B की जगह आप B और H की जगह भी B लिख सकते हो, तो कट के वन आ गया, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 cos 0 1। उसके बाद आता है tan 0 डिग्री, भाई देखो साइन 0 बाई cos 0 निकाल लो, इसी से निकाल सकते हो, अभी बताया ना tan थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की 1, 0 बाई 1 क्या हुआ, 0 हो गया। तो आपने देखा कि टैन, ये मैं यहां टेबल बना देता हूं, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये आपने देखा यहाँ पे साइन थीटा,
थीटा यदि लिया तो साइन का, तो ये जीरो पे जीरो हो रहा है, कॉस जीरो पे वन हो रहा है, टैन जीरो पे जीरो हो रहा है। ये आपको तीनों समझ में आ गया। अब यदि साइन का अपोजिट है जीरो डिग्री हम आपने लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपने थीटा मान लो लिया यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा आपका दिया यहाँ पे, ठीक है, साइन कॉस टैन निकाला आपने, साइन जीरो कॉस जीरो टैन जीरो, तो ये साइन जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, टैन जीरो जीरो हो गया। अब यदि आपको निकालना है कोसेक जीरो, तो कोसेक जीरो क्या होगा, वन बाई जीरो, वन बाई जीरो होता है नॉट डिफाइन, तो आपका यहाँ यदि कोसेक आता है कोसेक, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, या इसको नॉट डिफाइन भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइन लिख लो। उसके बाद सेक आएगा, सेक जो आएगा सेक जीरो डिग्री, वन बाई वन, ये वन हो जाएगा, और आएगा कॉट, कॉट जीरो का भी आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहां आप वैल्यू इसे लर्न कर सकते हो, साइन का कॉस का टैन का सारी वैल्यू आप यहां पे लिख के लर्न कर सकते हो। तो ये जीरो डिग्री का मैंने बता दिया कि जीरो डिग्री का आप कैसे निकालो। उसके बाद से आते हैं देखें थर्टी डिग्री कैसे निकालेंगे। देखो थर्टी डिग्री में क्या होता है, आपने कोई ऐसे ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना लिया, ये इसमें एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट, ये 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। साइड इसकी मान लो ये टू वे है, ये भी टू वे हो गया और ये भी टू वे हो गया, तो यहाँ से जो ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब इस पर हम ड्रॉ करते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको बाइसेक्ट करेगी, तो ये जो साइड यहाँ से हाफ हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये मान लो ए माना, ये बी माना, ये सी माना, ये हमने डी माना, तो ये ए बी डी ये ट्रायंगल लेते हैं, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ए डी इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया हमने तो यहाँ पे क्या आएगा, जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे, तो ये एंगल ये तीस तीस का हो जाएगा, ये थर्टी डिग्री हो गया, ये भी थर्टी हो जाएगा, इससे हम लिख नहीं रहे। अब आपको ये ए डी निकाल लो, अब ये अलग से इस ट्रेंगल को हम यहाँ बना लेते हैं, अब यहाँ से देख लो कि ये आपको दिया है टू ए, मान लिया हमने ए नहीं माना क्योंकि ए बाई टू आता है, ये ए हो गया, ये 90, तो ये निकाल लोगे, ये ए है, ये डी है और आपका ये बी है, ये वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, ये निकालोगे तो इसके स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस होगा, तो ए डी आप निकालोगे अंडर रूट टू ए का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो ये इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होगा, तो ये 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3 स्क्वायर उस रूट से जब बाहर होगा तो a रूट 3 हो जाएगा, या 3 रूट a, रूट 3a भी लिख सकते हो आप, इसको रूट 3 बाहर a आ गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी रूट 3a। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री इसमें और ये 60 डिग्री है, तो अब इसमें आप 30 और 60 दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, कैसे, पहले हम 30 डिग्री का निकाल दें, तो अब 30 डिग्री के लिए देखोगे, फॉर 30 डिग्री हम लिख रहे हैं यहाँ, फॉर 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है देखो इसके सामने 30 डिग्री सामने परपेंडिकुलर ए है और ये बेस हो गया, इसका ये साइड बेस हो गई, बेस हो गई रूट थ्री ए और ये आ गई आपका हाइपोटेन्यूज एच, ये हो गया टू ए, आपको इस समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 30 डिग्री तो हम ये एंगल 30 तो साइन 30 डिग्री जो होगा वो होगा पी बाई एच, पी इसमें क्या ए है और एच क्या है टू ए है, तो ए से ए कट गया तो ये हो गया 1/2, इसलिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर आप कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू आप पढ़ोगे तो ये आपका बी बाई एच आएगा, इसमें बी देख लो रूट थ्री ए है, बी कितना है आपका रूट थ्री ए है अपान यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ गया टू ए, ए से कट गया तो ये आ गया रूट थ्री बाई टू। उसके बाद आता है आपका टैन, टैन 30 डिग्री, टैन 30 बिल्कुल आसान होता है, साइन बाई कॉस कर लो, चाहे यहाँ से पी बाई बी भी कर सकते हो, पी बाई बी कर लो, पी की वैल्यू ए है और ये रूट थ्री ए है, ए से कट गया वन हो गया, वन बाई रूट थ्री हो गया,
तो आप देख रहे हो कि साइन 30 की वैल्यू जो आ रही है ये 1/2 आ रही है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आ रही है, और टेन 30 की वैल्यू जो है आपके 1/√3 आ रही है। ये एंगल लिखा है इससे मैंने ये एंगल की वैल्यू आ रही है। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसका यदि आप रेसिप्रोकल लेते हो कोसेक 30 की वैल्यू, तो ये उल्टा होगा तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, सेक 30 की वैल्यू √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, और कॉट 30 की वैल्यू 1/√3 से √3 हो जाएगा। ये आपने 30 की वैल्यू निकाल दिया। अब इसी में आपको 60 का निकालना हो, क्या निकालना हो 60 का, तो 60 डिग्री निकालने के लिए क्या हुआ कि जब ये ट्रायंगल में ए मिटा दुआ, ये 60 डिग्री हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो रहेगा अपन। तो फॉर्म 60 डिग्री जब हम यहाँ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर ये बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और बाकी ये तो सेम ही रहेगा आपका। जब यहाँ पे आप लोगे यहाँ पे 60 डिग्री, क्या लोगे साइन 60, तो पी बाई एक्स, तो पी के वैल्यू √3 आ जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 ए, ए से कटेगा तो ये √3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2। अब ये जब लोगे तो आपका बी बाई एक्स, तो ये आपका आएगा ही आएगा, इसमें बी में ए की वैल्यू आ गई, ये ए हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी ए से काटोगे तो 1/2 आएगी, और ये पी बाई बी रहेगा, पी की वैल्यू उल्टा हो गया, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये √3 खत्म हो गया, ए हो जाएगा, तो ए से कटेगा तो ये बन जाएगा √3। देखो आप 60 की वैल्यू आपने निकाल लिया सारी, ये 60 की वैल्यू आ गई, ये 60 की वैल्यू आ गई, क्या निकाला साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, और टेन 60 √3, आप लिख सकते हो, आप 60 में लिख दो √3/2, कॉस 60 जो हो गया 1/2, टेन 60 √3। अब इसका उल्टा करके ये आ जाएगा आपका 2/√3, इसका रेसिप्रोकल यहाँ 2 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो गया। ये आपने 30 और 60 की इस से निकाल लिया कि हम ए बी सी डी यहाँ क्या लेते हैं, ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, और इससे हम प्रूफ करके इसे निकाल देते हैं। अब हमको क्या निकालना है 45 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम यहाँ ले रहे हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जो हमको निकालना, देखो 45 डिग्री में निकालने के लिए क्या होता है कि हम एक आइसोसेलस ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी ये 90 डिग्री हो, ये साइड दोनों बराबर होती है, इसमें हम ए बी सी एक ट्रायंगल ऐसे लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर, ये दोनों हम बराबर साइड ले लिए, तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है और दोनों साइड ये बराबर है, तो दोनों एंगल ये बराबर होंगे, 90 बच रहा है तो आधा आधा हो जाएगा, इसलिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा, तो ये दोनों एंगल 45 हो गए। अब इसमें साइड आप इसको ए मान लेते हो, तो ये भी साइड आपकी ए हो गई, यहाँ ए मान लिया साइड आपने, तो ये जो ए सी निकलेगा यहाँ पे, ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर, अभी पढ़ा कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा √2a, ये आपका ac आ गया, ac आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। अब 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका, ये यदि आप 45 डिग्री लेते हो ये आप ले सकते हो परपेंडिकुलर a, इसमें बेस भी आपका a है और हाइपोटेन्यूज कितना है √2a हुआ। अब यहाँ से निकाल लो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो हम साइन निकालेंगे 45 डिग्री, तो p बाई एच, P कितना आपका है a अपॉन h √2, a से कट गया 1/√2 आ गया। फिर निकालेंगे cos 45 डिग्री b बाई एच a बाई √2 a, सेम आती है वैल्यू इसकी भी 1/√2। फिर निकालोगे tan 45 डिग्री p बाई बी, p भी a है और b भी a है, दोनों से कट के 1 आ गया, 1 आ गया। अब लिख लो वैल्यू इसमें, आपको ये देखना है कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2, और ये 45 पे 1 होती है, इसको उल्टा कर लो, ये हो गया √2, ये भी हो गया √2, और ये हो गया आपका 1।
तो आप देख रहे हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इतनी वैल्यू हमने निकाल दी और बता भी दिया कि कैसे हम इसको निकालते हैं। यदि ये आप वीडियो को अच्छी तरह देख के और कॉपी पेन लेके अपने आप निकालना सीख लिए, कई बार ये दो नंबर का निकालने के लिए भी दे देता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा के लेट कर सकते हो कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ए बी इक्वल टू बी सी है, ए हमने लेट कर लिया, लेट कर लिया, यहाँ पे लेट लिख सकते हो, ठीक है। और आप ए सी निकाल के ये लिख सकते हो 45 डिग्री के लिए पी बी एच ये क्या है, फिर आप ये ट्रायंगल करके निकाल सकते हो यहाँ पे, क्लियर। तो अब ये चीज़ आप निकाल लिए, अब आपको बच गया 90 डिग्री कैसे निकालोगे। अब 90 डिग्री का भी बता देते हैं, थीटा जब आपका आएगा 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री में क्या है कि थीटा जब आप 90 डिग्री लेते हो तो अब ये ट्रायंगल देखो बनाओ यहां पे, ये थीटा आपको है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कहां परपेंडिकुलर है, ए बी सी ले लिया आपने, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया, ये 90 डिग्री बनाना। अब देखो 90 डिग्री कब होगा, जब ये एंगल आपका यहां पर दिया है, ये आपका ऐसे दिया है, ये आपका धीरे 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 बढ़ता चला गया, ये एंगल जब बढ़ेगा ये परपेंडिकुलर आ गया, तो ये साइड भी तो यहाँ शिफ्ट होती चली जाएगी, ये वाली साइड ऐसे शिफ्ट होती चली जाएगी यहाँ पे, ये ध्यान समझना, ये आपका यहाँ से एंगल ऐसे बढ़ा, ये थीटा है, जैसे जैसे बढ़ाते चलेगा तो ये साइड ऐसी बढ़ती चली जाएगी, जैसे आप साइड को यहाँ लेके आए तो ये आगे यहाँ आ गए, यहाँ आगे साइड तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, ये जो चीज़ है आपकी इसकी आके मैच हो गई, ये जो बी जो था यहाँ पे बेस इसका जीरो हो गया, मतलब ये एच जो था वो पी के बराबर हो गया, जब ये साइड आप यहाँ से लेके आ रहे हो ऐसे ये बढ़ा रहे हो तो ये भी तो साथ में साइड आ रही है ना, आपके साथ में ये भी साइड आ रही है, दोनों ये बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, ये इस तरह आप लगा सकते हो यहाँ पे, यहाँ मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसे आप दे रहे हो तो ये जैसे ऐसे बढ़ाओगे तो ऐसे ये बढ़ता चला गया, ऐसे बढ़ता चला यहाँ ऐसे मिल गया, तो मिल गया तो इससे क्या मिला आपको, इससे ये मिला कि ये जो आपका यहाँ पे एच जो था वो किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया, H तो आपका H है ही है और जो P जो है वो भी H के बराबर हो गया आपका, H तो H के बराबर है ही है और बेस जो इसमें है ये बेस ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ से ऐसे ये चलती चलती आएंगे तो ये सीधे सीधे शिफ्ट होकर इससे मैच कर गया, तब ये जाके थीटा 90 डिग्री बनेगा आपका, तब ये जाके थीटा आपका 90 डिग्री बनेगा, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये थीटा था आपका, तो अब 90 डिग्री बन गया थीटा, अब ये बेस ये 0 डिग्री हो गया, अब इसमें निकालो आप साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है पी बाई एच, पी इसमें क्या है, पी की वैल्यू जो है आपकी एच के बराबर ले लो, एच तो एच है ही है तो ये कट के वन आ गया, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद कॉस 90, कॉस 90 डिग्री जो होता है वो होता है बी बाई एच, बी में क्या है 0 है और एच तो एच है ही है तो 0 बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है। उसके बाद आ जाता है आपका टेन 90, टेन 90 होता है साइन 90 बाई कॉस 90, तो ये आपका 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। ये तीन वैल्यू आपको मिल गई साइन कॉस और टेन 90 डिग्री की, साइन 90 आपने क्या देखा 1, कॉस 90 आपने देखा 0, टेन 90 देखा नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं। अब इसका उल्टा देखो रेसिप्रोकल, कोसेक निकालोगे 90 तो 1/1 1 होगा, 1/0 नॉट डिफाइन होगा और ये नॉट डिफाइन यदि उल्टा करते हो देखो यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ, कॉट 90, कॉट 90 जो होता है आपका बी बाई एच होता है, क्या होता है बी बाई एच, ये जो था आपका पी बाई बी था, सॉरी ये आपका होगा बी बाई पी, तो बी जो इसमें है 0 है और एच जो है पी जो है वो आपका एच के बराबर है तो इसलिए 0 आ जाएगा, तो इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये हमेशा ध्यान रखा करो 1/∞ जो होता है वो आपका 0 होता है, लिख लो कहीं, या 1/ यदि कोई लिखा है नॉट डिफाइन तो ये भी आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, इसलिए क्या आया 0 है। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया 0, 30, 45, 60 और 90, जैसे जैसे मैंने समझाया आप लिख के ऐसे यदि प्रैक्टिस कर ले तो ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, कभी भूलने के इसमें भूल नहीं सकते हो। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, फिर एक वीडियो में आइडेंटिटी बताऊंगा, इसके अगले वीडियो में आइडेंटिटी बता के आइडेंटिटी के फिर उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन लूँगा। बाकी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत हो जो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या बोलोगे तो मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके डालूंगा।
अब यहां पे देखो कुछ इसमें क्वेश्चन लेते हैं कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन, दे दिया यहां पे पहला क्वेश्चन दे दिया कि आप वैल्यू निकालो साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, इसकी वैल्यू हमको निकालनी हो। हम क्या करेंगे, साइन 30, अब देख लो यहां पे थोड़ा याद करने का तरीका देखो आप, यदि आप केवल साइन की वैल्यू याद रखते हो, साइन 0 क्या है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, केवल साइन की वैल्यू के लिए आपको यदि लिखना हो ट्रिक, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0/4, इसको आप लिख सकते हो 1/4, इसको लिख सकते हो 2/4, इसको लिख सकते हो 3/4, इसको लिख सकते हो 4/4। देखो 0/4, 0/4 कितना होता है 0, 1/4 1/2, रूट 2/4 2 से कट गया 2 1/√2, 3/4 √3 रह जाएगा, 4 का √2 आ जाएगा, 4/4 कट के 1 हो गया। तो ये साइन की वैल्यू यदि याद है आपको तो कॉस की वैल्यू जस्ट इसकी उल्टी हो जाती है, कॉस का 0 1, कॉस का 30 60 की वैल्यू, कॉस 45 सेम है, कॉस 60 30 की वैल्यू, कॉस 90 0 की वैल्यू, तो ये इसको उल्टा लिख दो ये आ गया। और टैन निकालना तो बिल्कुल इजी है, साइन बाई कॉस कर दो, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, टैन आ जाएगा 0/1 0, 1/√2 से 2 कट गया 1/√3, ये पूरा पूरा कट के 1 आ गया, 2 से 2 कट गया √3, और 1/0 नॉट डिफाइन, बाकी तो इनका इनका उल्टा करना है। तो ये वैल्यू लर्न करना भी बहुत आसान है, एक दो बार याद करके केवल आप एक भी याद कर सकते हो। ये देख रहे हो कि 0 की जो वैल्यू है और 90 की इंटरचेंज हो रही है साइन कॉस में, साइन 0 की जो वैल्यू वो यहाँ पे कॉस 90 की हो रही है और साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 हो रही है, 30 की जो वैल्यू है 60 की वैल्यू हो रही है, 60 की वैल्यू हुई 30 की वैल्यू हो रही है, और 45 दोनों का सेम है, 30 60 में इंटरचेंज हो रहा है, 0 90 में इंटरचेंज हो रहा है, बाकी साइन कॉस याद हो तो आप टाइम निकाल सकते हो। एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब ये वैल्यू निकालना है, जैसे साइन 30 1/2 इंटू कॉस जो आपने दिया है 60, कॉस 60 की वैल्यू आप देख रहे हो 1/2 ही है ये भी, प्लस कॉस 30 की वैल्यू जो आपकी आ रही है √3/2, और इसकी वैल्यू भी √3/2, तो आप यहाँ से देख रहे हो इस वैल्यू कितनी आ रही है 1/4, प्लस ये आपका आएगा 3/4, तो ये आ गया 4/4, कट की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह वैल्यू आप इसको निकालने के लिए आ सकता है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये जो आपका फार्मूला आपने पढ़ा है, ये जो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये ए हो गया बी हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला बनता है, ये हम जिसको ए को 30 बी को 60 माने, तो ये आप जाओगे अगली क्लास में तो ये बनता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी ए और बी दोनों जोड़ोगे तो साइन 30 प्लस 60, तो ये बन जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप इस तरह भी देख रहे हो कि ये आपके 1 आ रहा है और ऐसे भी 1 आ रहा है, आपको ऐसे ही करना, आपको ऐसे ही समझाने के लिए बताया था मैंने। उस तरह आप कोई भी इसमें वैल्यू लेके आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं इसमें लूँगा वो आपको आइडेंटिटी को बारे में समझाऊँगा, और मेन चीज़ वहाँ होगी आप प्रूफ कैसे करोगे क्वेश्चनों को। बाकी इस पर जो जो भी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का लगाओ, और कोई भी डाउट है तो आप कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। पहली बार आप चैनल को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंडों में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।